देखिए ये इनके जो है इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। ये अपने घर में इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद ये सब ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पर जो है उनकी जो गठजोड़ है मान सकता हूँ कि यहाँ पर वो सफल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब उपचुनाव आने वाला है, उसमें उनको पता चल जाएगा यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। शुक्रिया सर। तो ये थे परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब कमल खिलेगा, चाहे वो मध्यावर्ती चुनाव के ही दौरान क्यों ना हो, और अपने विभाग यानी कि परिवहन विभाग से इन्होंने जो अभी औचक निरीक्षण किया है या जो डग्गा मारी गाड़ियां और जो ओवरलोडिंग है उस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। राजीव कुमार। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार, आजमगढ़ में आए हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। आपने पार्टी की भी मीटिंग की अभी और ख़ासतौर पे अब परिवहन जो आपका विभाग है उसका औचक निरीक्षण करने आए, पहले तो हमें ये बताइए कि क्या क्या कमियाँ मिली। मैंने यहाँ पर जो है शुद्ध पानी के लिए मैंने कहा यहाँ पर जो है आरओ नहीं चल रहा था, हमको बताया गया कि आरओ खराब हो गया है, हमने कहा कि तुरंत आरओ जो है लगना चाहिए और महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा कि उनको ये दोनों साइड में जो हमारे यहाँ पर दो रूट है हमारी, दोनों पर महिलाओं के लिए बैठने के लिए व्यवस्था हो। शौचालय भी नेडा के द्वारा संचालित है, उसमें स्वच्छता जो होनी चाहिए उस मानक पर वो नहीं है, तो मैंने वो जो उसके जो संचालन करता है मैंने कहा है कि आप इसको सफाई व्यवस्था ठीक करिए। और भी हमारे जो रोडवेज के भी शौचालय हैं वो भी जो है स्वच्छ रहें और स्वच्छ पानी मिले लोगों को और समय से बसें चलें। और कुछ बसें ऐसी हैं जिसमें अभी काम की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि इसको फिटनेस कराया जाए, इसके जो खिड़की दरवाजे इसके सीट अच्छे कलेवर में लाया जाए और इसको करवाएंगे। बहुत सी बसें हैं जो ख़राब पड़ी हैं इस तरीके की हैं कि कभी बैटरी नहीं है, कभी टायर की प्रॉब्लम है, तो इसको लेके आप लोग कितना नहीं, कुछ ऐसी है कि जो हमारी जो 10 साल से ऊपर की बसें जो हमारे बड़े शहरों में जो पोल्यूशन के कारण उधर है कि उधर बसें नहीं चल सकती हैं, तो बसें भी इधर लगाई जाती हैं देहात क्षेत्रों में, लेकिन उस बसों को भी साज सज्जा और अभी हमने एक व्यवस्था दिया है कि कायाकल्प एक योजना हम चला रहे हैं जिसमें सभी बसों को मैंने उसके सुंदरीकरण पर उसके साज सज्जा पर उसका विशेष ख्याल रखा जाए। अच्छा मंत्री जी, आप आए हैं जिस बिल्डिंग का आप निरीक्षण कर रहे हैं इस तरीके की यहाँ भी है और मुबारकपुर में भी इस तरीके की बिल्डिंग सिर्फ बन के खड़ी हुई है, अभी पूरी तरीके से इसको भी सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। मैं देख रहा हूँ हमारे दफ्तर से हैं, उस पर दफ्तर हमारे काम करते हैं, उस पर हमारे ऑफिशियल बैठते हैं, लेकिन हाँ तो उसको देखेंगे, जो भी कमियाँ होंगी उसको दूर करेंगे। अच्छा, खास तौर पे परिवहन को लेके काफ़ी बातें हैं, रोड को लेके बातें हैं, डग्गामारी को लेके बातें हैं, इस पर अब आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मैं परमिट को भी सरलीकरण करूँगा और मैं जो लोग डागामारी कर रहे हैं मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि वो आ करके मिल करके एक परिवहन विभाग से आप अनुबंधित होकर के आप काम करिए, ये जो इस तरह की जो व्यवस्था ठीक नहीं है। और इसके लिए मैं बहुत अभी ऑनलाइन भी कुछ परमिट हम जारी करने वाले हैं कि आपको हमारे विभाग से कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप हमसे जुड़ करके एकदम इजी गोइंग आप जुड़िए और काम करिए। ये डगामारी ना उनके लिए अच्छा है और ना हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें भी इसकी डगामारी की भूमिका बहुत है। ये लोग पैसेंजर उठाने के चक्कर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो रहा है। अभी दो बसों की एक्सीडेंट हुआ है, मैंने अभी उसकी जो जांच की उसमें मुझे मैं पाया कि ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश में अपने पैसेंजर उठाने के चक्कर में ये जो एक्सीडेंट हुई है जिसमें हमारे एक जगह पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो मैं इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। अभी मैं उसके वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर अभी विचार कर रहे हैं कि मैं वैकल्पिक व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ, और यदि वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद उसके बाद अपने अधिकारियों को मैं निर्देशित करूंगा और उसके बाद कहीं डगामारी चलती हुई पाई जाएगी तो जो भी मेरे अधिकारी जिस क्षेत्र के उसके जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई करूंगा। अवैध ओवरलोडिंग को लेके काफ़ी यहां पे दिक्कतें चल रही हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? रोड खराब हो रहे हैं,
नहीं, इस पर मैं सख्त किया हूँ। अभी अभियान चला करके आप देखे होंगे, पिछले तीन दिनों का अभियान चला करके बहुत सारे मैंने मैं चलान किया हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ चलान हो रही हैं। अब इसको अनवरत चलता रहेगा और ऐसे गाड़ियाँ जो है जो ओवरलोड करके चलेंगे तो गाड़ियाँ जो है फिर रोड पर नहीं चलेंगी, वो कहीं थाने में खड़ी नजर आएंगी। आजमगढ़ खासतौर पर पूर्वांचल का बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा था, मध्यावधि चुनाव है और यहाँ से अखिलेश यादव ने जो इस्तीफा दिया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है, उसके तरफ से आपकी क्या तैयारी? देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद की विजय हुई लेकिन आजमगढ़ में जातिवाद जीता। तो इस तरह से जो शिवपाल यादव या आजम खान का बात चल रही है, इस तरीके से लोग आपस में पार्टियों को लेके जो बातें कर रहे हैं उसको लेके भी आपकी तरफ से कुछ है? नहीं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा, आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा और उपचुनाव हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो समाजवादी पार्टी का आरोप है जिस तरीके से वो आजमगढ़ को अपना एक लैंड की तरह से इस्तेमाल करती है, उस पे आपका क्या कहना? देखिए, ये इनके जो है इनकी जमीन खिसक चुकी है, ये अपने घर में इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, ये सब खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर जो है उनकी जो गठजोड़ है, मान सकता हूँ कि यहाँ पर वो सफल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब उपचुनाव आने वाला है, उसमें उनको पता चल जाएगा, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। शुक्रिया सर। तो ये थे परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब कमल खिलेगा, चाहे वो मध्यावधि चुनाव के ही दौरान क्यों ना हो, और अपने विभाग यानी कि परिवहन विभाग से इन्होंने जो अभी औचक निरीक्षण किया है या जो डग्गा मारी गाड़ियां और जो ओवरलोडिंग है उस पे सख्त एक्शन लेने की बात कही है। राजीव कुमार।